हेलो स्टूडेंट्स, हमें सामने दिया हुआ है सिक्स्थ सिक्स्थ सम है। ये एक्सरसाइज है 3.2। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमें दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। और हमने एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जो इसके साथ, इसकी लाइन और इसकी इसकी जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसकी लाइन इंटरसेक्टिंग हो। तो उसमें हमें ख्याल क्या करना पड़ता है, a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 2 और 3 की जगह पे कोई भी एक चेंज कर दो तो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी। यहाँ पर 3x कर दो और -2y कर दो, -7 = 0 कर दो। यानी कि यहाँ पर ये जो x के साथ कोफिशिएंट है, जब वाई के साथ कोफिशिएंट है, उनको एक को इंटरचेंज कर दो, ऐसा हो जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। ठीक है, और पैरेलल लाइंस के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 0। ये तो सेम लिख दो, इसको डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो। यहाँ पर +7 लिख दो, = 0। ये सेम लिख दो, जन 2 to the 4, 3 to the 6, ये रेशो सेम हो गई और ये रेशो अलग हो गई। तो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होगा अगर, तो पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वो हो जाएगा। और कॉन्सिस्टेंट लाइंस के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x + 3y - 8 = 0, सभी को डबल कर दो। यहाँ पर 4x कर दो + 6y कर दो -16 कर दो = 0। जा इसको 2x की जगह पे x कर दो, यहाँ पर 3y2y कर दो, -4 कर दो। इसको मैंने आधा आधा कर दिया। तो ऐसे अगर दो दो इक्वेशंस का पेयर हम बनाएंगे, हमें ये इक्वेशंस का पेयर बनाने को कहा है। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, दूसरी इक्वेशन हमने खुद लिखनी है। उसमें कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई अगर उस हिसाब से लिखने हैं कि a1/a2 b1/b2 फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन में इसके लिए, और a1/a2 b1/b2 = c1 c2 अलग तो दूसरी कंडीशन के लिए, और तीसरी कंडीशन के लिए ऐसे, यानी कि डबल कर दो या ऐसे डबल कर दो या आधा कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गई, दूसरी क्वेश्चन ये हो गई। ओके, थैंक यू।